गॉड, किसी DSLR से कम नहीं है ये फोन, पता है। मेरे पास था, पास दिखाओ दिखाओ। मेरे पास iPhone 13 Pro Max है, एंड आज को तो गाइस आज आपके लिए काफी एक्साइटेड न्यूज है। ओ माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड एंड आई कांट बिलीव। एंड फाइनली वो वाली बात हो गई कि ड्रीम कम्स ट्रू। तो चलिए शेयर करती हूँ मैं आप लोगों के साथ कि आपने आज का टॉपिक तो देख ही लिया होगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हो फ्रेंड्स आप सब? और आज का टाइटल देख के तो आप लोग ना आज का जो व्लॉग का टॉपिक है वो जान ही चुके होंगे। तो आज की डेट में गाइस हर यूट्यूबर का, मतलब जो लोग यूट्यूबर भी नहीं है, हर लड़का लड़की सबका पता है कि ड्रीम फोन कौन सा है। वो तो आपको पता ही होगा कि iPhone 13 Pro Max है। एंड फाइनली आज की डेट में आई एम सो लकी कि मेरे पास iPhone 13 Pro Max है। एंड आज तो पता है क्या है, मेरे पास जो फोन मैं इतने टाइम से यूज कर रही हूँ, OPPO A9 2020 है, जो कि मैंने एक साल पहले खरीदा था। एंड जब हमें कोई दूसरा फोन लेना होता है ना, तो हमारे मन में कितने सारे सवाल रहते हैं। और पता है हर कोई ये काम करता है कि YouTube पे सर्च करते रहो कि कौन सा फोन अच्छा है। कोई सैमसंग पे जाता है, कोई रियलमी पे जाता है, कोई रेडमी पे जाता है, कोई वन प्लस पे जाता है। और आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग भी ऐसे करते हो या बस मैं ही करती हूँ। तो जो भी मतलब अच्छे अच्छे फोन होते हैं, नया फोन लॉन्च होता है, तो सब लोग ट्राई करते हैं। मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली, बाकी तो वही लोग जाने कि सब करते हैं या सिर्फ मैं ही करती हूँ। तो हमारी ना समझ में नहीं आ पाता कि मतलब किसी फोन का कैमरा अच्छा होता है, किसी फोन का बैटरी बैकअप अच्छा होता है, किसी फोन का जो है सेल्फी कैमरा ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन एक यूट्यूबर को ना बस ऐसा फोन चाहिए होता है कि जो ऑल इन वन हो, जिससे आगे मतलब कुछ हो ही ना। तो फाइनली जो है आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी के ओकेजन पे, ओकेजन तो ऐसे कुछ मतलब हमने सेलिब्रेट हल्का फुल्का किया, बस केक कटिंग वगैरह की। बट मेरे हस्बैंड को ना मतलब उनको पता है कि ये वीडियोस वगैरह बनाती है, तो इसको एक ऐसा चाहिए होता है कि जो हर चीज मतलब थोड़ा क्वालिटी भी अच्छी हो, क्लियरिटी भी अच्छी हो। एंड 3 2 1 एंड गो। सो गाइस फाइनली आई एम सो लकी, आई एम सो लकी कि आज मेरे पास ये वाला फोन है। एंड थैंक्स टू माय हस्बैंड कि उन्होंने मुझे ये फोन गिफ्ट करा। और पता है आज की डेट में हर किसी को ये फोन चाहिए। इनफैक्ट बच्चे बच्चे के मुंह पे भी एप्पल का फोन है, iPhone 13 Pro Max प्लस 256 GB। गाइस सोचिए, ओ माय गॉड, गिफ्ट किसको अच्छे नहीं लगते हैं ना, गिफ्ट सबको ही अच्छे लगते हैं। एंड अभी तक मैंने एंड्रॉयड यूज किया और अब मैं इसको यूज करूंगी। तो पता है इसके पीछे भी एक और जो है स्टोरी है कि 2014 में मेरे पास आईफोन था, तो उस टाइम पे मैंने वो सेल कर दिया था, ये सोच के कि बच्चे अभी छोटे हैं। और पता है गाइज, ये ना मतलब हकीकत बात है कि उस टाइम पे आईफोन की स्क्रीन वगैरह 6,000 7,000 8,000 की लगती थी। तो सिक्स था, iPhone 6 था उस टाइम पे मेरे पास, और शोना उस टाइम पे छोटी थी। तो मैंने वो मतलब किसी को सेल कर दिया था कि अगर इसकी स्क्रीन वगैरह टूट गई बच्चे के साथ, तो फिर मैं लगाने में होता ही है कि काफी प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर मैंने वीवो का फोन खरीदा था। और अब जब ये वीडियोस का दौर आया, उस टाइम पे इतना कोई बनाता भी नहीं था, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक हो, और अब पता है हर किसी को आईफोन चाहिए होता है। तो टाइम टाइम की बात है। तो फाइनली मेरे हस्बैंड ने वो जो मेरा एक ड्रीम था आईफोन लेने का, तो वो ले लिया। एंड मेरे को इस बात का है कि आईफोन का जो सबसे नया चल रहा है इस टाइम पे, iPhone 13 Pro Max, 128 GB छोड़ के उन्होंने 256 GB लिया। बिकॉज उनको ये लगा कि यूट्यूब वगैरह में जो है वीडियोस काफी बड़ी होती हैं, लंबी होती हैं, तो स्टोरेज का जो इश्यू हो जाता है। तो फाइनली देखो अब मैं इसको कैसे चलाती हूँ एंड क्या प्रॉब्लम होती है एंड्रॉयड टू एप्पल में, ठीक है। तो देखते हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। बाहर से आपने इसका कलर देख लिया होगा, थोड़ा सा पसा 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 दिखाओ दिखाओ। गाइस देख सकते हो आप इसका फर्स्ट लुक। तो वैसे और ये इसमें कवर लगा हुआ है, मैं आपको विदाउट कवर दिखाती हूँ, बिकॉज यार इतना महंगा फोन है, केस लेना तो सबसे पहले बनता ही है। तो
गाइस जरूर बताना कैसा लग रहा है ये। वो दिख गया उसमें। तो चलिए फटाफट से मैं इसको कवर में रख लेती हूँ। और तो देखिए इस तरीके से, बस 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 ये देख सकते हो गाइस, दिख रहा है, देख सकते हो। एंड मैंने इसमें इंस्टाग्राम वगैरह डाउनलोड कर लिया है, एंड अपना ये जो है वाइट स्टूडियो वगैरह भी मैंने खोल दिया है। और इसका इसका कैमरा दिखाऊं मैं आपको? देख सकते हो गाइस, दिख रहा है। कैमरा कैमरा में देख रहे हैं। तो ये देख सकते हो गाइस, आईफोन की तो बात ही कुछ और है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, किसी DSLR से कम नहीं है ये फोन, पता है। तो अगर आप लोग भी सोच रहे हो ना, आप पीछे जाओ, लोग भी सोच रहे हो कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो एंड आपको अच्छा चाहिए तो बहुत अच्छा है, ले सकते हो। अब इनफेक्ट होगा ही अच्छा है। और इसका जो प्राइस है, हमको ये पड़ा था 1,40,000 का, तो हमें ये फोन पड़ा था। और 15, 16 या 17 का तक इसका चार्जर था, तो कुल मिला के लगा लो कि 1,42,000 का ये हमें पड़ा है। एंड इसके साथ ना एक चार्जर मिला है। चार्जर तो सबने देखा हुआ है, चार्जर ऐसा कोई दिखाने वाली चीज नहीं है। चार्जर भी मेरा पता नहीं चार्ज पे लगा हुआ है। तो आगे जो वीडियोस आएंगी ना इस फोन से आएंगी, और मेरे को किस चीज का इश्यू होगा, होने वाला तो है ही, बिकॉज एंड्रॉयड यूज करने की आदत पड़ी हुई है। तो क्या इसमें प्रॉब्लम हो रही है, मैं आप लोग के साथ शेयर जरूर करूंगी। एंड बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज, फाइनली बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब क्या बोलूं मैं, इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना अच्छा लग रहा है, लगेगा यार 1,42,000 का गिफ्ट मुझे मिला है मेरी एनिवर्सरी पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। गिफ्ट तो किसको अच्छे नहीं लगते, है ना। तो चलो मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, अगले व्लॉग में, और इस वाले फोन से बनेंगे अब जो भी बनेगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और इस फोन से ना, मतलब इस फोन से मैं क्या बोल रही थी, पिक्चर्स। हाँ इस फोन के साथ की मतलब जो भी मेरी वो रहेगी कि मतलब किस चीज की, कौन सा ऐप वगैरह मुझे डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है, नहीं हो रही है, तो मैं आप लोग के साथ शेयर जरूर करूंगी। और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी तो मेरे साथ शेयर जरूर करना, कमेंट में मुझे बताना जरूर। तो चलिए बाय बाय।